हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं द जॉब इन्फो। दोस्तों हम बात करेंगे CET ET एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और कब से इसका फॉर्म आएगा, जो 2022 में फॉर्म भरे जाएंगे और कब इसका एग्ज़ाम होगा, ये सभी चीज़ें हम देखेंगे। पहले हम यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखेंगे और जो आपके सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है वो 2022 में कब तक पूरी कराए जाएंगे, तो हम यहाँ पे पहले एलिजिबल देख लेते हैं कि कौन से लोग एलिजिबल हैं इसमें फॉर्म अप्लाई करने के लिए। तो इसमें एलिजिबल आप देख सकते हैं, यहाँ पे दिया गया है प्राइमरी स्टेज क्लास 1 स्टैंडर्ड से लेकर 5th तक, यहाँ पे सीनियर सेकेंडरी यानी कि इंटरमीडिएट जो किए हुए हैं या इक्विवेलेंट, यदि उसके इक्विवेलेंट यदि आप किए हुए हैं विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड पास और अपीयरिंग फाइनल ईयर ऑफ 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन और सीनियर सेकेंडरी विथ इक्विवेलेंट विथ एटलीस्ट 45% मार्क्स एंड पास विथ और अपीयर फाइनल ईयर ऑफ 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन एज पर NCTE 2002 नॉम्स, और सीनियर सेकेंडरी और इक्विवेलेंट विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स पास और अपीयर इन फाइनल ईयर 4th ईयर बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन इनकी DLED BLED, और इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे सीनियर सेकेंडरी और इट्स इक्विवेलेंट एटलीस्ट 50% मार्क्स पास और अपीयर फाइनल ईयर ऑफ 2 ईयर डिप्लोमा इन एजुकेशन स्पेशल एजुकेशन और ग्रेजुएट विथ 50% मार्क्स और 1 ईयर BED। यदि आप ग्रेजुएट हैं या आप 10+2 किए हुए हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इसके साथ आपको DLED या BED आप किए हुए हैं तभी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और लास्ट यहाँ पे देखें ग्रेजुएट एंड पास अपेयरिंग और फाइनल ईयर ऑफ 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, यानी कि अपेयरिंग में है तो भी अप्लाई आप कर सकते हैं, यानी कि DLED BED आप अपेयरिंग में है तो अप्लाई कर सकते हैं। और ये आपको सेकेंडरी स्टेज रहा क्लास 6 से लेकर 8 तक में, इसमें बैचलर डिग्री आपको मांगा जा रहा है। बैचलर डिग्री आप हैं और 4 साल का आपके पास DLED है, ठीक है, या BA BED होता है, BSc EED होता है तो 4 साल का होता है वो किए हुए हैं, या 50% मार्क्स के साथ ग्रेजुएट आप हैं और आपके पास BED है और आप उसमें अपीयरिंग में है तो भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ग्रेजुएट में आपको 45% मार्क्स होना चाहिए। तो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, आप भी देख सकते हैं। और इसमें अप्लाई करने के लिए आपको मिनिमम यहाँ पे जनरल कैटेगरी के लिए सिंगल पेपर में आपको 1000 यानी जनरल OBC के लिए 1000 लगेगा सिंगल पेपर के लिए, दोनों के लिए यहाँ पे 1200 जमा करना पड़ेगा, और SC ST के लिए दोनों के लिए यहाँ पे 600, पहले के लिए यहाँ पे 500 रुपये लगेंगे। तो अप्लाई करने के लिए यानी कि क्लास 1 से लेकर 5 तक और 6 से लेकर 8 तक, यानी कि फर्स्ट हो गया ये सेकंड हो गया, तो दोनों के लिए यदि आप एलिजिबल हैं अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको जनरल OBC हैं तो 1200 लगेगा, SC ST PH कैंडिडेट हैं तो 600 रुपया लगेगा। जो मेन न्यूज है इसको देख लेते हैं हम लोग, यहाँ पे देख सकते हैं CET ET दिसंबर में जल्द जारी होगी शेड्यूल, यानी कि दिसंबर में आपके CET का कराए जाएंगे और CBSE द्वारा केंद्रीय शिक्षा पात्रता परीक्षा CET ET के 16वें संस्करण की परीक्षा दिसंबर में होगी, यानी कि CBSE ने शुक्रवार को इसको लेकर अधिसूचना जारी कर दी है। विस्तृत बुलेटिन जल्द ही जारी कर दिया जाएगी और जिसमें परीक्षा से संबंधित विस्तृत जानकारी दी जाएगी, और फिलहाल परीक्षा CBT मोड में यानी कि कंप्यूटर बेस्ड होंगे। परीक्षा की तिथि शेड्यूल जल्द जारी कर दिए जाएंगे। टेस्ट का आयोजन भी कुल 20 भाषाओं में किया जाएगा और CBSE की वेबसाइट पर विद्यार्थी सिलेबस पात्रता और अन्य जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया जल्द ही पूरी कर ली जाएगी। तो एग्ज़ाम भले ही दिसंबर में लिए जाएंगे लेकिन इसके नोटिफिकेशन जल्द ही आपको जुलाई में ही देखने को मिल जाएंगे। तो जुलाई में हो सकता है कि लास्ट जुलाई तक इसका फॉर्म भरा जाए और आपको एलिजिबिलिटी देख ही लिए कौन से लोग एलिजिबल हैं इसमें अप्लाई करने के लिए। और भी जानकारी चाहते हैं तो आप नोटिफिकेशन
आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। चैनल से जुड़े रहें, इस तरह के न्यूज़ आपको मिलते रहेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। कम से कम यदि आप देखते हैं तो ज़रूर वीडियो को लाइक करें।